स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर में नए साल के मौके पर एक शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौर की शिकायत पर की गई है। तो आइए जानते हैं कौन है एकलव्य सिंह गौर जिसकी शिकायत पर मुनव्वर की गिरफ्तारी हुई। एकलव्य बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे हैं। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर इंदौर 4 विधानसभा सीट से विधायक हैं, साथ ही वह इंदौर की पूर्व मेयर भी रही हैं। दरअसल बीजेपी विधायक के पति लक्ष्मण सिंह गौर थे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। वहीं बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौर हिंद रक्षक नामक स्थानीय संगठन के संयोजक हैं। 36 साल के एकलव्य राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं और वह 2 बेटियों के पिता हैं। खबरों के मुताबिक कैफे में हंगामे के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर फारूकी की पिटाई भी की, लेकिन एकलव्य ने इस आरोप से इंकार किया है। फिलहाल पुलिस ने एकलव्य की शिकायत के बाद मुनव्वर फारूकी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ डेस्क।